तो नाम में क्या रखा है बात करते हैं काम की। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गूगल ड्राइव क्या होता है। जिन लोगों को पता है उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी बेकार है, वो वीडियो को बिल्कुल भी मत देखें। और जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग जानना चाहते हैं गूगल ड्राइव क्या है, वो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, बिना समागम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों गूगल ड्राइव, अगर आप प्ले स्टोर में जाओगे सर्च करोगे गूगल ड्राइव, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। ये होती है गूगल ड्राइव, ठीक है ना। गूगल ड्राइव एक मान लो एसडी कार्ड, मेमोरी कार्ड या फिर पेन ड्राइव की तरह होता है, जो कि आपको पेन ड्राइव की तरह बाज़ार से या शॉप से नहीं मिलने वाला। ये मिलता है आपको प्ले स्टोर से, ठीक है ना। जो मोबाइल में प्ले स्टोर होता है ना, ये देखिए प्ले स्टोर है, इसमें सर्च करोगे आपको गूगल ड्राइव मिल जाता है, ठीक है ना। हो सकता है पहले से ही आपके मोबाइल में हो। ये कैसे काम करता है वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे आप पेन ड्राइव में अपने फ़ोटोज़, वीडियोज़ या फिर सॉन्ग कुछ भी स्टोरेज में मतलब डाल देते हैं, ठीक है ना, उसी तरह से आप इसमें भी डाल सकते हैं। इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इसे गूगल आईडी से लॉगिन करना होता है। जो प्ले स्टोर वाली आईडी होती है वही आईडी होती है, ठीक है ना, उसी से लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद इसमें आपको 15 GB तक स्पेस मिलेगी। 15 GB डेटा आप इसमें सेव कर सकते हैं। जहाँ देखिए मेरे मोबाइल में पड़ा है, मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। इसे ओपन किया, इसमें देखिए मेरे काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह इसमें पड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये फ़ोटोज़ वगैरह मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं, जो कि हमेशा सेफ रहेंगे। और एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भी आप ले जा सकते हैं। अगर आपको कहीं भी किसी भी वक्त इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो किसी भी मोबाइल में या कंप्यूटर में आप लॉगिन करके अपनी फ़ोटोज़ वगैरह को निकाल सकते हैं। इसमें ऐड कैसे करने हैं वो देख लीजिए। अगर आप मान लो और फ़ोटोज़ या वीडियो ऐड करना चाहते हैं, इसमें देखिए एक प्लस का आइकॉन होता है, इस पर क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद अपलोड पर क्लिक करना होता है, और उसके बाद आपने जाना है अगर फ़ोटोज़ को ऐड करना है तो फ़ोटो पे क्लिक कीजिए, वीडियो पे क्लिक करना, वीडियो को सेव करना है तो वीडियोस पे क्लिक कीजिए। जहाँ मान लो ये फ़ोटो, कोई भी फ़ोटो ऐड करना है, फ़ोटो पे क्लिक कीजिए। बस क्लिक करते ही वो फ़ोटो ऐड हो जाएगा। आपका डेटा ऑन होना चाहिए, और इसमें आप फोल्डर वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। प्लस के आइकन पर क्लिक किया और फोल्डर पर क्लिक किया, या आप फोल्डर नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में।